थ्योरी समझो ना, ये तो उदाहरण है और उदाहरण का एविडेंस नहीं मिलता। जैसे एक कथा मैं आपको सुनाता हूं, कथा सुनेंगे? हाँ, बहुत ज्यादा बोरिंग स्पीच में मजा नहीं आता, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग कथा कहानी होगा तो मजा आएगा। एक बार नारद जी से परिचित हैं आप लोग सब? हाँ हाँ, नारद जी तो इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं, यहाँ की वहाँ करते रहते हैं। एक बार नारद जी के ऊपर कामदेव का प्रभाव पड़ा, उन्होंने उन पर अटैक किया, पर नारद जी को कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने कामदेव को पराजित कर दिया। अब शास्त्रों में ऐसा मिलता है कि कामदेव को पराजित सिर्फ महादेव शिव शंकर भोलेनाथ ने किया, बाकी किसी ने नहीं किया। तो नारद जी को बड़ा अभिमान हो गया कि मैं शिव के बराबर हो गया, जो शिव ने कारनामा किया वो मैंने भी कर दिया, तो अब काय बात के शिव भगवान, मैं भी भगवान। और इस गर्वोक्ति को करने के लिए वो शिव के पास पहुंच गए और बोले, महाप्रभु अब आपकी संप्रभुता के दिन लद गए, अब तो मैं भी आपके समकक्ष हो गया, आपने कामदेव को हराया, मैंने भी हरा दिया। शिव जी मुस्कुराए, समझ गए नादान है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। बोले, भैया नारद जी हमारे सामने कहा तो कहा, जिनके भक्त हो, रात दिन नारायण नारायण करते हो, उन विष्णु जी के सामने जाके ऐसी बात मत करना। अच्छा, ऐसा क्यों कहा शिव जी ने? क्योंकि वो चाहते थे कि जाके नारद बोले, है ना ह्यूमन साइकोलॉजी, जो चीज माँ बाप मना करे वो तो करनी है, जो टीचर मना करे वो तो करना है, हाँ? तो शिवजी ने मना की तो करना है। और दौड़ के नारद जी पहुंच गए विष्णु जी के पास और बोले, नारायण नारायण, प्रभु शिव जी के बराबर हो गया मैं। विष्णु जी ने कहा, अच्छा कैसे? तो उन्होंने पूरा के सब बताया। विष्णु जी भी मुस्कुराए और समझ गए शिव जी ने इनको भेजा है यहां। बोले, भाई वाह क्या बात है नारद, कमाल कर दिया, अब तो तुम शिव के बराबर हो गए, अब तो मौज करो। तो नारद जी वहां से वैकुंठ धाम से ये सब गर्वोक्ति करके निकले, तो विष्णु जी ने एक माया की रचना की और एक नगर बसा दिया। उस नगर के राजा रानी की एक सुपुत्री राजकुमारी को वहां पर स्वयंवर बना दिया कि जैसे ही नारद जी उस नगर में पहुंचे तो उनको पता चला कि इस नगर की राजकुमारी का स्वयंवर का आयोजन हो रहा है। और माया ऐसी थी कि नारद जी ने जैसे ही नगर में प्रवेश किया, वहां के द्वारपाल दौड़े आए और इनके चरणों में गिर के बोले, अरे महाराज आप बहुत अच्छे आ गए, हमारे राजा आप ही का इंतजार कर रहे हैं। नारद जी बोले, क्यों? बोले, साहब राजकुमारी का स्वयंवर है, उसकी कुंडली उंडली देख लीजिए, आपसे बड़ा ज्ञानी कौन है। हाँ चलो चलो। तो दरबार में आ गए, महाराजा महारानी ने तुरंत कुंडली राजकुमारी की नारद जी के सामने रख दी कि प्रभु देखिए क्या लगता है इसका भविष्य कैसा है। उधर से पीछे से राजकुमारी भी आ गई और माया थी ना विष्णु भगवान की, तो राजकुमारी इतनी सुंदर कि लक्ष्मी जी भी देखें तो शर्मा जाए, ऐसी सुंदर राजकुमारी बनाई। और राजकुमारी जैसे ही सामने आई तो नारद जी तो कुंडली की तरफ देख ही नहीं पाए, बस राजकुमारी को ही देखते रह गए। ऐसे मोहित हुए कि अंट शंट बकने लगे।
राजा रानी समझे नहीं कि ये क्या बोल रहे हैं। बोले महाराज आप क्या कह रहे हैं? तो बोले अरे बहुत अच्छा भविष्य है, इसको तो ऐसा वर मिलेगा जो तीनों लोक का भ्रमण करता रहता है। मतलब खुद को ही प्रेजेंट कर दिया कि हमसे बड़ा वर कौन है, आप कहां स्वयंवर में लगे हैं। राजा रानी ने कहा बहुत बढ़िया, वो समझ नहीं पाए। अब नारद जी विचलित हो गए थे, बाहर आए, उनको लगा कि स्वयंवर में तो बड़े बड़े राजे महाराजे आएंगे, मेरा चांस तो लगेगा नहीं, राजकुमारी जाने किसके गले में माला डाल दे। तो मैं अगर भगवान विष्णु की कृपा हो जाए, मैं इतना सुंदर बन जाऊं कि राजकुमारी मेरे ही गले में माला डाले तो सबसे अच्छा हो जाए, लेकिन वैकुंठ तक जाऊंगा लौट के आऊंगा तब तक तो स्वयंवर खत्म हो जाएगा। तो वहीं बैठ के प्रार्थना करने लगे और विष्णु जी तो तैयार ही बैठे थे, सारी माया तो उन्हीं की थी, तुरंत प्रकट हो गए। नारद जी बड़े खुश हो गए, बोले वाह प्रभु जल्दी आ गए आप, बड़ा अर्जेंट काम था। बोले बताओ बताओ क्या काम है। बोले साहब ये स्वयंवर में मुझे पार्टिसिपेट करना है और मुझे इतना सुंदर बना दीजिए कि वरमाला तो मेरे ही गले में पड़े, बस मुझे इतना वरदान दे दीजिए। अब देखो तुम लोगों ने बच्चों खूब कथाएं सुनी होंगी, वरदान मांगने पर यदि प्रभु प्रसन्न हुए तो आंसर क्या होता है, तथास्तु, ठीक है। और अगर भगवान को आपको वरदान नहीं देना है तो क्या होता है, वो कोई सॉरी नॉट पॉसिबल नहीं बोलते, वो अंतर ध्यान हो जाते। जब आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो अंतर ध्यान, और अगर कर सकते हैं तो तथास्तु। लेकिन विष्णु जी ने दोनों नहीं किया, ना अंतर ध्यान हुए ना तथास्तु कहा। क्या कहा, ठीक है पुत्र, जो तुम्हारे हित में हो वही हो। वरदान क्या मांगा था, मुझे राजकुमारी मेरे गले में वरमाला डाल दे, मैं इतना सुंदर बन जाऊं, मुझे इतना सुंदर बना दीजिए। और वरदान क्या मिला, जो तुम्हारे हित में हो वही हो। नारद जी बड़े खुश हो गए और जाके सभागृह में स्वयंवर के बैठ गए लाइन में, राजकुमारी चक्कर लगाएगी और मुझे ही वरमाला डालेगी। और वहीं पर शिवजी के दो गण भी बैठे थे, उन्होंने नारद जी को देखा तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए कहने लगे वाह साहब नारद जी क्या लग रहे हैं आप, आज तो राजकुमारी की नजर कहीं और जाने ही नहीं वाली। अब देखिए जब विष्णु जी ने उनसे ये वरदान दिया कि जो तुम्हारे हित में हो वही हो, तो सुंदर नहीं नारद जी का जो चेहरा था वो कैसा बन गया पता है, वानर का, बंदर बन गए। और बंदर जैसा मुंह लिए नारद जी सभागृह में बड़े चौड़े होके बैठे हैं कि राजकुमारी तो बस मेरे ही पास आने वाली है। और उनका हौसला कौन बढ़ा रहे हैं, शिव जी के गण, वासा वाह क्या स्मार्ट लग रहे हैं आप नारद जी, कमाल कर दिया आपने। और नारद जी और चौड़े हुए जा रहे हैं, राजकुमारी कब आई कब निकल गई, उनकी तरफ देखा तक नहीं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उनको लगा शायद इसकी इसका ध्यान नहीं है, तो उचक उचक के उसके सामने जाने लगे, राजकुमारी 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 देख ही नहीं रही। और उसी सभा में चूंकि माया विष्णु जी की स्वयं की थी, विष्णु जी स्वयं एक राजकुमार बनकर आकर बैठ गए और माला विष्णु जी के गले में पड़ गई। नारद जी बड़े निराश हुए कि ये कैसे हो गया मेरे साथ। और जब ये निराश होकर बैठे थे तो शिवजी के गणों ने फिर उनके साथ छेड़खानी शुरू की और कहा अरे प्रभु बड़ा धोखा हो गया आपके साथ, वरदान मांगने विष्णु जी के पास गए थे, वो जिसके गले में माला पड़ी ना वो विष्णु जी स्वयं हैं, आपने तो जाके उनको टिप दे दी कि बहुत अच्छी राजकुमारी है, वो खुद ही आ गए।
अब नारद जी का क्रोध बहुत बढ़ गया, बोले ऐसा कैसे किया, और बाहर आए और विष्णु जी पर अपना क्रोध प्रकट करने लगे कि आपने मेरे साथ ऐसा छल क्यों किया, आप तो कपटी हैं और आप तो प्राचीन काल से कपटी हैं, जब समुद्र मंथन हुआ तब भी आपने कपट से शिव जी को विष दे दिया और लक्ष्मी जी खुद रख ली, ऐसे पता नहीं क्या क्या अंटशंट एलिगेशन लगाने लगे। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले नारद ये तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो आकर कह रहे थे कि कामदेव को हरा चुके, तो तुम कैसे राजकुमारी पर मोहित, ये दावा मैंने तो नहीं किया, तो मैंने जाके अपनी वरमाला ले ली। तब जाके नारद जी की आंख खुली, ओहो मुझे सबक सिखाने के लिए इतना बड़ा प्रपंच। और जैसे ही आंखें खुली तो नगर गायब हो गया, राजकुमारी गायब हो गई और वहां स्वयं विष्णु जी खड़े और नारद जी खड़े। ये पौराणिक कथा है और ऐसी जाने अनगिनत कितनी पौराणिक कथाएं आपको मिलेंगी, पर इसका एविडेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या समझाने के लिए कथा बनाई गई। अब आप थ्योरी समझिए, एक कथा में तो बड़ा मजा आया, अब इस कथा के का सार क्या है, इसके पीछे किस थ्योरी को बताने की बात है वो समझिए। बात यह है कि विष्णु जो नारद के गुरु, उनको ज्ञान देने के लिए कैसे समझाएं इस नादान बालक को, तो वरदान क्या दिया कि वो नहीं होगा जो तुम चाहते हो, होगा वो जो तुम डिजर्व करते हो। चाहत को अंग्रेजी में कहते हैं डिजायर और योग्यता को अंग्रेजी में कहते हैं डिजर्व करना। तो विष्णु जी ने क्या कहा, यू विल नॉट गेट व्हाट यू डिजायर, यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। और बच्चों अगर आप थोड़ा गौर करें तो आपके ये गुरुजन आपको और क्या करके सिखाते हैं, आपको योग्य बनाने की प्रक्रिया में लगे हैं। आपके गुरु वो नहीं करते जो आप चाहते हैं, पर आपको उस योग्य बनाने की प्रक्रिया में लगे हैं जिस लायक आप बन जाएं कि जो आप चाहें वो आपको मिले, आपको हासिल हो, पर वो योग्यता तो हो। तो मैं आज आप लोगों को बहुत ज्यादा वेद पुराण की थ्योरीज में नहीं ले जाऊंगा, वरना बड़ा बोरिंग हो जाएगा, पर मैं इतना बताना चाहता हूं कि आपको मैंने एक कथा के माध्यम से हर पुराण की कथा की गूढ़ता से परिचय कराया है, उसके पीछे छिपे उद्देश्य को बताया है। और अगर आप सोचिए, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है एक थ्योरी बताने के लिए, तो वेद तो ऐसे जानी कितनी थ्योरी से भरे पड़े हैं और उनको समझाने के लिए पुराण कथाओं से भरे पड़े हैं, उपनिषद ज्ञान से भरे पड़े हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जो आपके गुरुजन हैं, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, अपने मन में यह संकल्प उत्पन्न कीजिए, क्योंकि गुरुजनों की उपयोगिता, उनका महत्व शायद आज आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जिस उम्र के पड़ाव पर आप आज हैं, आपको सारे टीचर सिर्फ टॉर्चर के एपिटोम लगते हैं, अरे कितना पढ़ा रहे हैं।